नमस्कार, मैं एचएम शर्मा, आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब की इस लाइव क्लास में। देखिए, बुद्धि, इंटेलिजेंस, दिमाग, मस्तिष्क, ये सारी चीज़ें जो है वो किससे संबंधित है? मानव के विकास से संबंधित है। तो देखिएगा, आज हम ऐसे आईएमपी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसमें सीटेट, एमपीटेट, रीट और सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों की यदि मैं बात करती हूँ तो देखिएगा, ये बुद्धि की संरचना का मॉडल है। बुद्धि की संरचना का यदि इस मॉडल की मैं बात करती हूँ तो देखिए, इसके अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आती है? विषय वस्तु आती है। विषय वस्तु के अंतर्गत देखिए, जब आपकी बुद्धि है, बुद्धि में क्या होता है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, दिमाग है, दिमाग में भी क्या होता है? कैमरा होता है। अब आप अपनी आँखों से जो भी चीज़ें देखते हो, जो भी आकृति देखते हो, वो सारी सेव हो जाती है कहाँ? आपकी मेमोरी में, जिसे आप सीपीयू कह सकते हो। आपका ब्रेन क्या है? सीपीयू के समान है। तो उसमें जो आकृति चली जाती है, फिर भविष्य में यदि आप उसी आकृति से संबंधित किसी व्यक्ति को देखते हो या वही आकृति देखते हो, तो आपकी जितनी भी स्मृतियां हैं वो सारी क्या हो जाती है? जाग जाती है, चेत जाती है। आपका दिमाग आपको संकेत देता है कि ये वाली चीज़ तो हमने पहले देखी थी, ये आकृति तो हमने देखी थी। इस तरीके से आपका दिमाग आपको क्या देता है? संकेत देता है। और जैसे ही हमारा मस्तिष्क हमें संकेत देता है, वो हम व्यवहार में या अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात बताती हूँ। मान लो कि आप स्कूल में हैं, आपके कोई फ्रेंड है, और स्कूल ख़त्म होने के बाद कई साल बीत जाते हैं, वही फ्रेंड आपको नज़र आती है, तो आपकी स्मृति में उसकी क्या है? आकृति है। और आपका दिमाग आपको संकेत देगा कि ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। नतीजा, आप अपने शब्दों के द्वारा उससे पूछोगे कि क्या मैं आपको जानती हूँ? यदि जानती हूँ, नतीजा परिचय निकलेगा। यानी कि आपके मस्तिष्क में जो छवि है, वो छवि जब आपके सामने आती है तो आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिकली संकेत देने लग जाता है, और उन्हीं संकेतों को आप अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूंगी द्वितीय क्रम में, तो सक्रियाएं होती है। सक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, तो ध्यान में रखना, जो सक्रियाएं यानी जो क्रियाएं साथ में मिलकर चलती हैं, उन्हें सक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे संज्ञान की बात करेंगे, संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ या किसी भी बात के बारे में जानकारी होना। तो ध्यान में रखिए, संज्ञान के अंतर्गत आपको उस चीज़ से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी होती है। उसके बाद मैं बात करूंगी स्मरण की। स्मरण जो होता है वो आपकी बुद्धि से संबंधित होता है। आप चीज़ों को कितना ज़्यादा याद रखते हो, उससे संबंधित होता है। फिर आता है परंपरागत चिंतन। जब आप किसी भी समस्या को या किसी भी बात पर जब विचार करते हो, तो उस विचार को यदि प्राचीन पद्धति के अनुसार करते हो, तो वो होता है परंपरागत चिंतन, जिसमें स्टेप बाय स्टेप रूल्स का फॉलो किया जाता है। और जो आकस्मिक चिंतन होता है, अचानक जो है वो चिंतन किया जाता है, वो आकस्मिक चिंतन कहलाता है। फिर आता है गैर परंपरागत चिंतन। इसी में आकस्मिक चिंतन का भी समावेश होता है, यानी समस्याएं समाधान साथों साथ होती है, और जिसमें क्या होता है, जैसा समस्या होती है उसी के अनुसार उसका उपाय कर लिया जाता है। लेकिन परंपरागत चिंतन में जब भी उपाय किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है? स्टेप बाय स्टेप नियमों का पालन किया जाता है, और इससे क्या होता है, समस्या का समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से निकलता है। वो समस्याएं ऐसी होती है जिसके लिए एकदम आपको जो है वो एक्शन लेना पड़ता है, एकदम प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान बहुत मुश्किल से भी निकलता है और बहुत आराम से निकालना पड़ता है, अदरवाइज़ या अन्यथा जो है समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। तो ऐसी समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप यानी नियमबद्ध तरीके से यदि आप सॉर्ट आउट करते हैं, उसका उपाय निकालते हैं, तो ऐसी समस्याएं परंपरागत विधियों पर आधारित होती है। इसीलिए ऐसी समस्याओं के लिए जो चिंतन मंथन होता है, उसे परंपरागत चिंतन के नाम से जानते हैं। लेकिन जहां पर
एकदम चिंतन किया जाता है, वहाँ पर गैर परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता है और वही चिंतन गैर परंपरागत चिंतन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो आती है वो आती है मूल्यांकन की विधि। मूल्यांकन क्या होता है कि आपके द्वारा जब भी किसी समस्या से संबंधित जानकारी ले ली जाए, उसके बाद अपने अनुभवों का प्रयोग किया जाए, उसके बाद उसके उपाय किए जाए, उसके बाद आपको निकालना है उसका मूल्यांकन कि आप कितने सफल हुए और कितने नहीं हुए। तो देखना कि मूल्यांकन के अंतर्गत आपके द्वारा प्रयोग में ली गई सभी सक्रियाएं कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई है, इसका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा चरण है जिसे परिमाण या परिणाम के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है इकाइयां होती है, यानी आपकी जो समस्याएं हैं अलग अलग समस्याओं के चरणों का अध्ययन करके उन्हें एक रूप किया जाता है, फिर उन्हें बांटा जाता है वर्गों के रूप में, फिर एक समस्या का दूसरी समस्या से संबंध स्थापित किया जाता है और फिर उनको हल करने की जो है वो प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, फिर उसमें प्रत्यावर्तन भी होता है और उसी प्रत्यावर्तन के द्वारा जो है वो समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए अभी हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी, वो पढ़ी थी बुद्धि की संरचना के मॉडल से संबंधित। अब प्रश्न ये आता है कि बुद्धि की संरचना का ये जो मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ध्यान में रखना, बुद्धि की इस संरचना का जो मॉडल है इसे कहा जाता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जो अभी हमने पढ़ा। अब ये त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, तो जे पी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। अब जो ये जे पी गिलफोर्ड हैं, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध जो है वो है सोवियत संघ से। किससे है, सोवियत संघ से है, यह आपको ध्यान में रखना है कि इनका संबंध सोवियत संघ से है। और अब ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने जो है वो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया, जिसे 3D सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सक्रियता, निष्पादन और विषय वस्तु का मुख्य रूप से समावेश होता है। यदि हम बात करेंगे किसी भी समस्या से संबंधित, तो उसमें मुख्य रूप से क्या छुपी हुई होती है, विषय वस्तु छुपी हुई होती है। उसके बाद हम उससे संबंधित सक्रिय हो जाते हैं, उसके बाद हम समस्या का क्या निकालते हैं, समाधान निकालते हैं। तो देखिएगा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, वो दिया है गिलफोर्ड ने। अब मैं बात करूंगी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसे GS फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैं एक बात करूंगी, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया। तो ध्यान में रखना, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। तो ध्यान में रखो कि द्वितत्व का सिद्धांत जो है वो भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है, जिसे जी और एस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जी और एस कारक जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय है। अब देखिए द्विकारक सिद्धांत है किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया है। कब दिया है, 1904 में दिया है। जी का मतलब होता है जो जी कारक होते हैं बुद्धि के, वो राजा के समान होते हैं, यानी हमारी बुद्धि में यदि जी कारक बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो हम एक नेतृत्वकर्ता के रूप में होते हैं, और यदि हमारी बुद्धि में एस कारक बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो प्रजातंत्र के समान होती है, यानी सभी में घुलने मिलने वाली होती है। अब देखिएगा जी कारक और एस कारक, यानी एक सामान्य कारक है और एक विशिष्ट कारक है। अब हम अगला बात करते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो वो किया गया है किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। देखिएगा इसकी पिक्चर कितनी अच्छी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है, तो ये दी है थॉर्नडाइक ने। किसने दी है, ये दी है किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है देखिए थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। और थॉर्नडाइक ने जो है थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया है,
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, और इसके अंतर्गत क्या है कि आपकी बुद्धि विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। तो इस प्रकार से देखिएगा, बुद्धि का जो ये बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया है, इसे बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें असंख्य स्वतंत्र कारकों का निर्माण होता है और इसी प्रकार से आपकी बुद्धि जो है वो कार्य करती है। देखिएगा, बुद्धि से संबंधित है चाबी है, लाइट है, यानी आपकी बुद्धि नाना प्रकार से कार्य करती है और आपके द्वारा जो है किए गए कार्य को संपादित करती है। अब थोड़ा सा हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करती हूँ गिलफोर्ड की, तो गिलफोर्ड ने जो है वो बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत दिया था, उसमें एक मॉडल दिया था, बुद्धि का संरचनावादी मॉडल, इसमें कोशों की संख्या कितनी थी, 120 थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है वो कोशों की संख्या कितनी है, 120 है, और इसमें 5:4:6 जो है इसका रेशो था, और बुद्धि का जो ये मॉडल है इसमें 5:4:6 का जो है रेशो है, इसे ही बुद्धि संरचना का मॉडल कहा जाता है जो गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वापस मिलते हैं 5:00, तब तक के लिए धन्यवाद।